42 साल तक वेजिटेटिव स्टेज में रहने के बाद 19 मई को अरुणा शानबाग ने आखिर इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तो ऐसे में अरुणा शानबाग की जो 42 सालों तक ये हालत रही, जो शख्स इसके लिए जिम्मेदार था, आखिर उसका क्या मानना है, क्या उसको पछतावा है इस बात का, यही जानने के लिए टीवी पर पहली बार जो है सोहन लाल वाल्मीकि आप देख सकते हैं, इनसे हम बातचीत करने के लिए जो है यहाँ पर पहुँचे हैं हापुड़ जिले के एक गांव में, पापरा गांव में, जहां पर सोहन लाल वाल्मीकि रहते हैं। और इस वक्त हमारे साथ सोहन लाल वाल्मीकि खड़े हुए हैं। सोहन लाल, अरुणा शानबाग ये नाम याद है आपको? हाँ। कौन थी वो? कौन थी आपके साथ वहीं पे हॉस्पिटल में, नर्स का काम करती थी? हॉस्पिटल का क्या नाम था? के ई एम हॉस्पिटल। उस के ई एम हॉस्पिटल में क्या हुआ था उस रात? सब मेरे को तो कुछ पता नहीं सब। तो आपको सजा हुई, आपने सजा काटी है, किस बात की सजा काटी है आपने? सब सजा मतलब जो काट के मतलब जो सीधा मतलब अब बहुत ही प्रायश्चित किया साहब मेरे को बड़ा दुख लगा। प्रायश्चित है आपको? हाँ सब प्रायश्चित, अभी ये प्रायश्चित लिए सिसक अपना जिंदगी काट रहे हैं, सिसक के जिंदगी काट रहे हैं। लेकिन आपकी वजह से किसी ने 42 सालों तक इससे भी बहुत बदतर जिंदगी, या यूं कहेंगे भारत में अभी तक की सबसे बदतर जिंदगी 42 साल एक हॉस्पिटल के बेड पर गुजारी है, कोई पछतावा है? पता नहीं साहब अभी इसके बारे में मेरे को कुछ पता नहीं। बहुत ही हुआ क्या था आखिर, अगर आप बताओगे ऐसा क्या किया था आपने जिसकी वजह से आपको सजा हुई? अब आप कह रहे हैं कि मेरे को नहीं पता, लेकिन सजा हुई ना आपको? हाँ सब सजा तो हुई थी। क्या जुर्म क्या था आपका? और जुल्म क्या साहब, वो यही था कि मतलब जो वो नर्स के बारे में। क्या था नर्स के बारे में, क्या मतलब आखिर उस रात क्या हुआ था? आप अक्सर ऐसे ही हॉस्पिटल में काम करते थे, आप वहाँ पर सफाई कर्मचारी के तौर पर नियुक्त थे, वहाँ पर काम करते थे, तो आखिर अरुणा शानबाग के साथ आपने उस दिन क्या किया था? नहीं सर मैंने तो कुछ नहीं किया साहब, मैं तो कुछ बस। लेकिन आपको जो सजा हुई है, मुकदमा जो चला, उसमें कहा गया कि आपने चेन से अरुणा शानबाग का गला दबाया, उसके अलावा आपने बलात्कार किया, उसके अलावा आपने चोरी की। ये तो सब झूठ है, सब झूठ है, ये सब झूठ है, बलात्कार का झूठ है। लेकिन चोरी तो की नहीं, चोरी भी नहीं करी साहब मैंने, वो क्या वो चीना जुट्टी में और जो कुछ हो गया। आपने उनकी सगाई हो चुकी थी, अंगूठी चुराई, उसके अलावा इयररिंग्स थे कानों में पहनने वाली बाली, वो चुराई आपने? नहीं साहब मैंने नहीं चुराई। तो फिर आपको सजा किस बात की हुई जब आप कोर्ट गए, आपने वकील भी किया होगा, तो आपको सजा किस बात की हुई थी ये तो पता होगा आपको? क्या बताऊं साहब, बस अब बस कटघरे में खड़ा कर दिया साहब। बताया नहीं किसी ने, पुलिस वालों ने जब आपको पकड़ा गिरफ्तार किया तो आप कह रहे हैं कटघरे में खड़ा कर दिया, कारण तो बताया होगा ना? अब सब कारण क्या है साहब, बस वकील भी किया था आपने, वकील ने आपका केस भी लड़ा था? हाँ साहब सरकारी वकील था। तो सरकारी वकील ने आपको बताया होगा ना? हाँ पूछ रहे थे साहब, हम बोले साहब पछतावा होता है सोहन लाल? हाँ पछतावा साहब, अभी इससे भी ज़्यादा क्या पछतावा साहब। इससे भी ज़्यादा मतलब क्या है, अब क्या स्थिति है आपकी? साहब बस पछतावा ही पछतावा साहब। घर में कौन कौन है आपके? सब घर वाली है और बच्चे हैं। घर वाली से कभी इस बारे में बात होती है? हाँ सब मतलब जो सब नानती देते हैं साहब, क्या करें साहब, सब मेरे ऊपर।
घरवाली ने कभी इस बारे में आपको डांटा, आपको कहा कि आपने इतना घिनौना काम किया है, कभी घरवाली ने आपको इस बारे में कहा? हाँ साहब किया, वो कहती थी, समझाती थी, क्या साहब हम बोले गए, हमने तो किया नहीं, अब क्या। अब घर में आपके दो बेटे हैं, छोटा बेटा है रविंदर, बड़ा बेटा है, उनकी शादियां हो चुकी हैं, उनकी बीवियां हैं घर में, नजरें मिलाते हुए शर्म आती है? हाँ साहब शर्म तो आती है, आती है साहब, क्या करें। लगता है आपको कि इस जीवन में शायद आपने इतना बुरा काम कर दिया कि जिसका कोई पछतावा नहीं हो सकता और जिसके लिए कोई सजा नहीं हो सकती, लगता है ऐसा? हाँ साहब सब बस बहुत ही बस सजा सी काटते हैं सब। आपकी वजह से किसी और ने भी 42 साल तक सजा काटी है। सब क्या, हाँ जी सब, अब क्या करें, बड़ा अफसोस है इसका हमें तो। आपको लगता है कि अफसोस बहुत छोटा शब्द हो जाता है? जो कृत्य आपने किया, जो काम आपने किया, उसके सामने अफसोस एक बहुत छोटा शब्द है। अब साहब हम पे बस जो भी जुल्म हम पे अब ठान दिए साहब, अब क्या करें, अब हम तो हमारे तो कुछ चला नहीं। गांव में आपका जो पैतृक गांव था, जहां के आप रहने वाले हैं, आपने वो गांव भी छोड़ दिया, अब आप अपने रिश्तेदार हैं यहां पे आकर रहने लगे? हाँ जी हाँ, वो तो अब ऐसे ही छोड़ दिया साहब, मतलब जो कुछ भाई भाई की परेशानी की देख के बस चले आए। इस गांव में, पापरा गांव में जहां आप रहते हैं, यहां लोगों को पता है इस बारे में? अब सब पता तो है ही, सब को पता है साहब, क्या गांव के लोगों से मेलजोल है? गांव के लोग नहीं साहब, मैं तो काम से ही आता हूँ, काम से ही जाता हूँ, बस शाम को अपने चले जाता हूँ, शाम को आता हूँ और सुबह को फिर काम भी चला जाता हूँ। अरुणा शानबाग के लिए, और ये बहुत सीधा और सच्चा सवाल है सोहनलाल जी, और मैं चाहता हूँ कि आप दिल से इसका जवाब दें, अरुणा शानबाग के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सब मैं तो अब बहुत ही मतलब जो अफसोस है हमारे लिए बेचारे, क्या गलती है आपकी, मानते हैं आप, अफसोस है आपको। अब सब गलती में मेरे तो कुछ, अब सब मुझे तो कोई पता नहीं सब, मैं मेरे पर सब मैं तो जो। तो टीवी पर पहली बार एबीपी न्यूज पर सोहनलाल अरुणा शानबाग केस में, जिसमें 42 साल तक अरुणा शानबाग वेजिटेटिव स्टेज में रही और 19 मई को आखिरकार दुनिया को अरुणा शानबाग ने अलविदा कह दिया, जो जिस पर व्यक्ति पर आरोप थे, जिसने सज़ा काटी है इसकी, सोहनलाल वाल्मीकि, उनसे हमने बातचीत की। साफ तौर पर कहना है कि उनको अफसोस है, जो भी कुछ हुआ उसके लिए वो माफ़ी मांगते हैं, अफसोस है। लेकिन क्या ये अफसोस शब्द काफ़ी है अरुणा शानबाग के लिए? रक्षित सिंह, एबीपी न्यूज़, पापरा।